वार्म वेलकम एवरीवन, दिस साइड सुमित शर्मा एंड वंस अगेन आई एम बैक। सो हम लोग बहुत दिनों बाद इस वीडियो को देखने जा रहे हैं और ये डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक का सीरीज़ का फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सर्कुलर एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑल्सो। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त शानदार टॉपिक होने वाला है वो, और उस पर बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास। बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ वीडियोस, एंड प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ़ यू आर रियली लाइक दिस वीडियो। सो हमारे पास जो सामने हमारे क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, सीधा सा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन। इसको हमने कुछ क्या किया है, रीमॉडिफाई किया है, थोड़ा सा कुछ नहीं मॉडिफाई किया है हमने, एक थिंकिंग को रख के इस क्वेश्चन को मैं चेंजेस किए। क्या किए हैं चेंजेस, वाई स्क्वायर से पूरी क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है। क्यों डिवाइड किया है, ये हमारी इस किस सोच, मतलब किस सोच की वजह से है, क्या रीज़न क्या है डिवाइड करने का। रीज़न ये है कि हम ये बनाना चाहते हैं। ओके, रीज़न का भी एक रीज़न होता है, काम करने का एक रीज़न होता है, उस रीज़न का भी एक रीज़न होता है। सो हमने क्या बनाया, ये बनाया। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए इधर हमारा सबसे पहला फ़ायदा, यहाँ से y ख़त्म हो गया, इससे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाएगी थोड़ी सी। आगे हम px और qx इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड लगा सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो है ये करने का, वाई स्क्वायर से डिवाइड करने का, वो ये है, हम ये बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, इसको बनाने का मेन रीज़न हमारा क्या है, नाउ हम क्या करना चाहते हैं कि हम वन अपॉन वाई, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था वन अपॉन वाई स्क्वायर जो है, सॉरी कहाँ गया, या ये यहाँ पे वन अपॉन वाई लिखाया है, इसको हम क्या करेंगे, टी मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, अब देखिए इसका तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम आगे क्या करें। तो यहाँ पे इसको वन अपॉन वाई को हम लोग टी मान लेंगे, उसको मानने का रीज़न ये है कि हमें ये मिल जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो भयानक सी चीज़ दिख रही है जो हमने बनाया था, उससे ये रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सो बहुत सिंपल सा रीज़न, एकदम फंडामेंटल सिंपल साधारण रीज़न, क्या ये हमने बनाया, ओके, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया ताकि ये बन जाए। ओके, और ये ख़त्म हो सकता है इसलिए हमने इसको बनाया था। कैसे ख़त्म होगा, बस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू टी रख देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये बनेगा वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स। बस यहीं से हमारा गेम चेंज होता है, सारी कहानी चेंज होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छी शानदार सुंदर बन जाएगी। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास आई है, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। पी एक्स और क्यू एक्स हम जानते हैं, ये पी एक्स होता है टी का जो कोफिशेंट है, और ये क्यू एक्स है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप सब लोग निकाल लेंगे, ई की पावर पी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया 1/x। नाउ टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग करते थे ना, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसी तरह यहाँ पे वेरिएबल है टी, तो टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x। ओके, क्यू क्या है, माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो हमारे पास टी की वैल्यू हम वापस रख देंगे उठा के, तो वन अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू इतना बन जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ आपको सोचनी है, क्या कि ये भयानक सा एक्सप्रेशन, यहाँ से डरना नहीं सबसे पहली बात। नाउ एक चीज़ और सोचनी है कि लॉग एक्स अगर हम कुछ रख दें समथिंग, तो ये वन अपॉन एक्स डी एक्स गायब हो जाएगा, इसी वजह से हमने लॉग एक्स को रखा जेड। सो जेड मानेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी जेड हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। सो हमारा काम यही है चीज़ों को सिंपल करना। सो हमने कर दिया सिंपल, यहाँ पे देखिए ऐसा आ गया बढ़िया सा। ओके, सो सिंपल करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे बाईपार्ट लगाएंगे, बाईपार्ट लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बाईपार्ट लगाया हमने। ओके, सो बाईपार्ट लगाया, उसके बाद फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास जेड की वैल्यू वापस रख देंगे उठा के, तो ln x यानी log x जो भी है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, फाइनल जो आंसर है हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास। इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, यहाँ से अभी भी हम x कैल्शियम लेके और 1 प्लस log x अपॉन x हो सकता है। ओके, लेकिन वो सब हम नहीं करेंगे, ये सब आपको करना है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इस चैनल को और इस वीडियो को पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर you hit the subscribe button.